पवार का सादर प्रणाम। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हम हमारी पद स्थायित्व और नियमितीकरण की मांग को लेकर विगत 16 वर्षों से संघर्षरत हैं और इसी तारतम्य में आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने 2 अक्टूबर 2024 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को सबसे पहले 20 सितंबर 2024 को माननीय पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई थी। फिर हमें ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली कि आपने जो 20 सितंबर को आवेदन लगाया है और नीलम पार्क मांगा है, आपकी संख्या अधिक आ रही है, हो सकता है प्रशासन आपकी अनुमति निरस्त कर दे। इसलिए हमने 23 सितंबर 2024 को हमारे कार्यालय प्रभारी आदरणीय पुष्कर सिंह रोली जी के द्वारा पुनः एक आवेदन माननीय पुलिस कंट्रोल रूम में लगाया गया कि यदि पुलिस प्रशासन को या सरकार को नीलम पार्क देने में कोई समस्या आ रही हो तो उसके स्थान पर हमें दशहरा मैदान टीटी नगर या अंबेडकर पार्क तुलसी नगर देने की कृपा करें। आवेदन लगने के बाद हम जब 1 अक्टूबर 2024 को भोपाल पहुंचे, भोपाल में पूरी आजाद टीम उपस्थित थी। मेरे साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री बीएम खान सर, प्रदेश महासचिव आदरणीय श्री संतोष कार जी, मीडिया प्रभारी मनोज सक्सेना जी, सह मीडिया प्रभारी राकेश खंडेलवाल जी, हमारे प्रदेश कार्यालय प्रभारी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह रोली जी, हमारे प्रदेश प्रतिनिधि आदरणीय संतोष कौशिक जी, हम सभी लोग 1 अक्टूबर को माननीय पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। वहां हमारे आदरणीय एसीपी सर और अन्य पुलिस विभाग के सम्माननीय अधिकारियों से चर्चा हुई। संख्या को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि नीलम पार्क छोटा पड़ जाएगा, आपकी संख्या ज्यादा आ रही है, हम आपको अंबेडकर पार्क देते हैं। ठीक है, हम लोगों को तो हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना था, हमने सर स्वीकार किया कि हमें अंबेडकर पार्क मंजूर है और हमारे सभी साथी सुबह से वहां पहुंचना प्रारंभ कर देंगे। पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, हमारे साथ अंबेडकर पार्क गए, वहां की स्थिति का जायजा लिया। हमें निर्देशित किया गया कि आप मंच यहां बनाएंगे और भी जो समस्याएं हैं तो बताएं। तो हमने दो समस्याएं मुख्यतः माननीय पुलिस प्रशासन के सामने रखी थी कि पहली कि यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए और दूसरी रखी थी उस पार्क में थोड़ी सी गंदगी थी, इसे सफाई करवा दी जाए। माननीय पुलिस प्रशासन ने हमारी दोनों बातों को माना, तत्काल नगर निगम के कर्मचारियों को फोन लगाकर वहाँ की सफाई का कार्यक्रम करवाया और दूसरे दिन बकायदा पानी के 2 टैंकरों की व्यवस्था की। अब सुबह 2 अक्टूबर को हमारे अतिथि शिक्षक साथी भाई एवं बहन अंबेडकर पार्क तुलसी नगर का पहुंचना प्रारंभ हुआ। हमने पहले ही कह दिया था कि हमारा कार्यक्रम 2 बजे तक हमारे वक्ताओं के मत हम सुनेंगे, उनके अभिमत सुनेंगे, उनके वक्तव्य सुनेंगे, उसके बाद हम रैली के रूप में प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हमारी पद स्थायित्व और नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन देने जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। 2 बजे तक हमारे अतिथि शिक्षक संघ के जागरूक पदाधिकारियों का के वक्तव्य हुए
और हमने ठीक 2:15 के आसपास हम मंच से रैली के रूप में निकले। हमें बैरिकेड पर माननीय पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हमारे साथियों ने भी धैर्य दिखाते हुए वहां पर बैठने का काम किया। चूंकि 2 अक्टूबर का कार्यक्रम था, गांधी जयंती थी, इसलिए सभी ने भजन कीर्तन, वैष्णव गीत आदि का कार्यक्रम प्रारंभ किया। 2:30 बजे से यह आंदोलन, लगभग 2:30 बजे से यह आंदोलन शाम 7:30 बजे के लगभग तक शांतिपूर्ण तरीके से सब भजन कीर्तन में व्यस्त थे। इस बीच में पुलिस प्रशासन ने भी हमारा पूरा सहयोग किया। इस क्वार की धूप में हमारे कुछ लोग घायल हुए, उनको पुलिस ने पूरी व्यवस्था दी, पूरा उपचार दिया, एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भेजा। बीच बीच में मुझसे और आजाद टीम के पदाधिकारियों से पुलिस प्रशासन की चर्चा भी चलते रहे डेलीगेशन को लेके, परंतु आप मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों बहन जानते हैं कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि डेलीगेशन मिलने जाएगा तो प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से, अन्यथा हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी से मिलने नहीं जाएंगे व अन्य किसी मंत्री जी से मिलने नहीं जाएंगे। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि हम अतिथि शिक्षक के हित में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे मंच पर आए और उन्हें जो अपनी घोषणा और जो हमें देना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, दे सकते हैं। बढ़िया, हमारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलते रहा, ना किसी को कोई आपत्ति, ना किसी को कोई दिक्कत। अतिथि शिक्षकों ने पूरी शिक्षकीय गरिमा का प्रदर्शन किया, आदर्श व्यवहार किया, किसी भी प्रकार का लगभग 7:30 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कोई सूचना नहीं। अब अचानक ये होता है कि जब माननीय पुलिस प्रशासन से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बार बार निवेदन मुझसे किया कि आपका एक प्रतिनिधि मंडल हम सीएम हाउस भेज रहे हैं, परंतु मेरा मेरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों से कमिटमेंट था कि यदि प्रतिनिधि मंडल जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही चर्चा होगी, भेंट होगी, तभी जाएगा। फिर हमें पुलिस प्रशासन के माननीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हम ये गारंटी नहीं लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी भेंट हो जाए, हम इतना कर सकते हैं कि आपका डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री के निवास भेज सकते हैं। मैंने और पूरी आजाद टीम ने, पूरे जिला अध्यक्षों ने निर्णय लिया कि हमने हमारे आम अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों से जो कमिटमेंट किया है वो तो इसके खिलाफ है। हमने पुलिस प्रशासन को साफ मना कर दिया कि यदि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत हम उनके निवास जाएंगे, क्योंकि वो हमारे मंच पर नहीं आ सकते, प्रोटोकॉल रहता है। ये हमारी चर्चा चलती रही। इसके बीच हमारे भजन कीर्तन चलते रहे। लगभग 7:30-8 बजने का समय रहा होगा, हमारे अतिथि शिक्षक साथी और स्वयं मैं खुद भजन कीर्तन में हम लीन थे। हम अचानक ये देखते हैं कि बगैर सूचना और बगैर अंतिम चेतावनी देते हुए पुलिस प्रशासन ने व्हिसिल बजाते हुए एकदम से लाठी चार्ज प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। हम समझ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। लाठी चार्ज जैसे ही शुरू होता है, हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों बहन
इधर उधर भागने लगे। भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। मैं खुद भी सामने ही था, मेरे साथ कम से कम हजारों अतिथि शिक्षक मेरे साथ चल रहे थे। हम लोगों को धरना स्थल से खदेड़ दिया गया। ठीक है, हमें धरना स्थल से खदेड़ दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब हम धरना स्थल से बाहर रोड पे आए तो हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे और मेरे पूरे 15-20 हजार लोग जो आए थे, उन साथियों को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया। एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक भोपाल की धरा पर हमें दौड़ाया गया, मारा गया, पीटा गया। ये वीडियो सभी मीडिया बंधुओं के पास, सभी सोशल साइट पर उपलब्ध है। कई लोगों को चोटें आई, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हुए। उस समय अफरा तफरी से किसी के मोबाइल गिर गए, दिन भर से धरना प्रदर्शन चल रहे थे, मोबाइल डिस्चार्ज हो चुके थे, हमारी उनसे चर्चा भी नहीं हो पा रही थी। जब हमें 4-4, 6-6 किलोमीटर तक खदेड़ा गया तो सवाल ये उठता है कि जो पुलिस प्रशासन सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया, वो अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए? ऐसा कौन सा फोन आया, ऐसा किसका आदेश आया कि हम अतिथि शिक्षकों पर बगैर अंतिम चेतावनी जो कि पुलिस के द्वारा दी जाती है वो भी नहीं दी गई, और एकदम से अंधेरे का फायदा उठाते हुए हम अतिथि शिक्षक भाई बहनों पर लाठी चार्ज किया? कौन सा मेल था, किसका फोन था, किसके आदेश पर यह किया गया, सवाल ये उठता है। उसके बाद हमारे साथियों को भोपाल के अलग अलग रोडों से हमारे साथी इधर उधर तितर बितर हो गए, परंतु उन्हें धरना स्थल छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। जो जहां दिखे वहां उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया कि आप कमलापति स्टेशन जाइए, नादरा बस स्टैंड जाइए, या फिर मेन स्टेशन जाइए, वहां तक पुलिस हम लोगों के साथ रहे। तो साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, सरकार से, क्या हम कोई आतंकवादी है, क्या हम कोई अपराधी है, या कोई हम नक्सलवादी है तो हमारे साथ ये व्यवहार किया गया? मेरा क्या गुनाह था? मेरा गुनाह इतना था कि 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तात्कालिक आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी, उन घोषणाओं के आदेश लेने के लिए मैं और मेरे प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों बन गए थे। हमने अलग से कोई मांग नहीं करी, हमने अलग से कोई चीज नहीं मांगी, हम तो केवल वही मांग रहे थे जो इस सरकार ने हमें बोला था। फिर हमारे साथ आतंकवादी नक्सलवादी जैसा व्यवहार क्यों किया गया? आप क्या चाह रहे थे कि आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को बल के आधार पर कुचलना चाह रहे थे? परंतु सरकार ये गलत फहमी में है कि आपने बल का प्रयोग करके आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ का मनोबल कम किया है या उन्हें कमजोर किया। आपकी ये गलत फहमी मैं निकाल देना चाहता हूं
आप ये सुनिए कि इस लाठी चार्ज और झूठी फर्जी एफआईआर के बाद प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक मजबूत हुआ है और अब एक एक अतिथि शिक्षक अपने परिवार के सहित आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान पर पद स्थायित्व व नियमितीकरण की मांग को लेकर हम एक बार पुनः संगठित होंगे। इसलिए प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका मनोबल कम ना करें। आप इस लाठी चार्ज और हम लोगों पर की गई एफआईआर से विचलित ना हो, इसे तो आप शहर से स्वीकार करके अपने अंदर 10 गुना शक्ति लाए और हम अतिथि शिक्षक पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, हमने जो 15 साल 16 साल इस सरकार को दिए हैं, जो हमने तप तपस्या और त्याग किया है, उसका प्रतिफल हम लेकर रहेंगे। इसलिए मैं प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए। मैं केसी पवार व मेरी पूरी आजाद टीम, स्वर्गीय अजय पाल सिंह राठौर व स्वर्गीय श्री अतुल शर्मा जी के पद चिन्हों पर चल रही है। हम लोग कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, यथार्थ सच्चाई जो है उससे हम अवगत कराएंगे। और हमारे संगठन में जितने भी लोग हैं इसी विचारधारा को लेकर चलते हैं। यदि इस विचारधारा के विपरीत यदि कोई भी जाता है तो आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ में उसका कोई स्थान नहीं है। तत्काल प्रभाव से हम हटा देते हैं, चाहे वो केसी पवार क्यों ना हो, संतोष कहार क्यों ना हो, मनोज सक्सेना क्यों ना हो, मुकेश जोशी जी क्यों ना हो। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों ने जो 16 वर्ष का तप तपस्या त्याग किया है उसका प्रतिफल दिलवाना है। इसलिए हम सुबह से शाम तक कई आंदोलन ऐसे हुए होंगे आपने देखा, परंतु हम पूरी आजाद टीम साथ में आखिरी दम तक रात के 12 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे साथियों के साथ डटे रहे, उनका हालचाल हमने जाना। क्यों? क्योंकि हमने जिम्मा लिया था और अगर हमने जिम्मा लिया है, हमने जिम्मेदारी ली है, तो उसका फर्ज हम पूरा अदा करेंगे। इसलिए सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आप संगठित रहिए, एकत्रित रहिए और इतना आप अतिथि शिक्षक का दिमाग लगाइए कि कौन सी टीम, कौन से पदाधिकारी आपके साथ हैं, इस पर एक बार विचार कीजिए। मैं पुनः आप सभी लोग आए उनको साधुवाद देता हूँ और एक बात और बोल देता हूँ कि इस लाठी चार्ज व झूठी एफआईआर से केसी पवार व उसकी पूरी आजाद टीम डरने वाली नहीं है। अब हम 10 गुना शक्ति के साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको पद स्थायित्व और नियमितीकरण दिलवा कर ही मानेंगे। जय अतिथि, विजय अतिथि।